समुद्र से काम धेनु गाय प्रकट हुई, ब्राह्मण को दिया। उच्चै स्रवा घोड़ा प्रकट हुआ और उसके बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, देवराज इंद्र को दिया। बारूणी मदिरा प्रकट हुआ, दैत्य ने पान किया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, भगवान नारायण ने धारण किया। और उसके बाद पारिजात प्रकट हुआ, स्वर्ग में भेजा। उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई, स्वर्ग में भेजा। ततश्चा विरभु साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनि यथा। उसके बाद साक्षात श्री रमा भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, बोलिए लक्ष्मी मैया की। अब यहाँ पर सब कहते हैं कि लक्ष्मी तो हमें चाहिए, लेकिन बात ये है कि लक्ष्मी किसे चाहती है? लक्ष्मी को तो सब चाहेंगे। आप जानते हैं किसके घर में लक्ष्मी आती है? जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, कौन लक्ष्मी को चाहता है? हाथ उठा के बता। कोई नहीं चाहता। चलो चाहते ही नहीं तो बताएं क्यों? प्यार से बोलो। हम सोच रहे थे लक्ष्मी कैसे आएंगी, उपाय बता दे, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं तो हम भी क्यों बताएं? वैसे समय कम है। प्यार से बोलो। तो लक्ष्मी मैया तो भगवान नारायण को चाहते हैं। सबसे सुंदर उपाय एक ही है, अगर आप अपने घर में भगवान नारायण का सेवा करते हैं तो लक्ष्मी उस घर में अवश्य आएंगे। क्योंकि भगवान नारायण जहाँ, लक्ष्मी मैया भी वहीं चली जाती है। आप अपने घर में भगवान नारायण का सेवा करें, राम रूप में हो या फिर कृष्ण रूप में हो, आप जिस भगवान को आप मानते हैं, चाहते हैं, आपका प्रेम, आपका भक्ति, निष्ठा जो भगवान के प्रति है, उनका सेवा करें, वही लक्ष्मी मैया आती है। और ऐसे बहुत से नियम हैं, जिस नियम का अगर आप पालन करते हैं तो लक्ष्मी मैया आपके घर आएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। लक्ष्मी जी को पवित्रता साफ सफाई पसंद है। अगर आपके घर में सफाई होगी, रोज आप सुबह उठ करके झाड़ू पोछा करेंगे, झूठे बर्तन कभी नहीं रखेंगे, शाम के समय में घी का दीपक जलाएंगे, भगवत सेवा करोगे, तुलसी आराधना करोगे, तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। प्यार से बोल दो ना। लक्ष्मी जी ने जयमाला भगवान नारायण के गले में डाला, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आगे उसके बाद में समुद्र मंथन फिर किया। धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए, दैत्य उस अमृत के घड़े को लेकर के भाग गए। फिर देवता भगवान का स्तुति करते भगवान मोहिनी रूप में आकर के देवता को अमृत पिलाया। जैसे पता चला एक दैत्य सुरभानु नामक दैत्य बीच में प्रवेश करके अमृत पीता, छल से भगवान ने उसके सिर को काटा। वो अमृत पान कर चुका था, उसका मृत्यु नहीं हुआ। वही राहु और केतु दो बन जाता है, और इसीलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में राहु केतु सूर्य चंद्र को कष्ट देते हैं।